वेलकम टू ड्रीम केबीसी चिक्के। दोस्तों स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जीके का एक छोटा सा टेस्ट लेके आए हो। अगर आप जीके पढ़ते हो तो इस 20 सवाल में से 17 का सही उत्तर देखकर बताओ। अगर आप इस 20 क्वेश्चन में से 17 या 16 का सही उत्तर देते हो तो आप जो भी एग्जाम की गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो थोड़ी सही तरीके से मेहनत कर रहे हो। अगर उससे कम क्वेश्चन के आंसर सही होते तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन बोलूँगा उसके चार ऑप्शन भी दिए जाएंगे। अगर आपको पता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। चलो देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही होते, आप हमें कमेंट बॉक्स में आखिर में बताना। क्वेश्चन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जो चीज का आंसर आपको बताओ तो आप कमेंट भी कर सकते हो। क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री है और लिबरल पार्टी के नेता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री है। उनसे पहले पवन कुमार चामलिंग थे जो भारत के किसी भी राज्य से सबसे लंबा कार्यकाल पवन कुमार चामलिंग का था। क्वेश्चन नंबर 3, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल में के दौरान भारत आया था? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दरमियान भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 4, नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मृदा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? लावणी नृत्य किस राज्य का है? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर कूटनीति से किसका वध किया था? इनमें से किस शासक का वध किया था? क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सम्राट धनानंद का वध किया था चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म परिषद में भारत की ओर से किस धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी, सनातन धर्म। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म परिषद में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, अल्बर्ट आइंस्टीन इनमें से किस देश के नागरिक नहीं थे? यहाँ पे थोड़ा अटको गया, आप सोचे इसका आंसर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी, फ्रांस। तो अल्बर्ट आइंस्टीन इनमें से फ्रांस देश के नागरिक नहीं थे, स्विट्जरलैंड की भी नागरिकता थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की भी नागरिक थे और ऑस्ट्रिया की भी नागरिकता थी उनके पास। क्वेश्चन नंबर 9, भगवान श्री कृष्ण ने किस स्थान अपना राज्य बसाया था? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी, द्वारका। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना राज्य बसाया था। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 11, अमरकांत प्रेमचंद की किस राजनीतिक उपन्यास का नायक है? यहाँ पे प्रेमचंद की राजनीतिक उपन्यास के चार उपन्यास के नाम दिए गए, यहाँ अमरकांत एक उपन्यास का नायक है, इसमें से किस उपन्यास का नायक है अमरकांत पात्र? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो।
क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मभूमि। तो अमरकांत प्रेमचंद की का उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास कर्मभूमि का नायक है। क्वेश्चन नंबर 12, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? बिहार की पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर है अमरेश्वर प्रताप शाही। अमरेश्वर प्रताप शाही पटना हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्र बरदाई भट्ट। चंद्र बरदाई भट्ट हिंदी भाषा का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर कितनी बार चढ़ाई की थी? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है 17 बार। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार चढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 15, संकट के समय में महाराणा प्रताप को किसने आर्थिक सहायता की थी? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी भामाशाह। तो संकट के समय में महाराणा प्रताप को भामाशाह ने आर्थिक सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 16, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक है। क्वेश्चन नंबर 17, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? क्वेश्चन का सही उत्तर चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे। क्वेश्चन नंबर 18, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से विराट कोहली को कितनी बार सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन का उत्तर है 2 बार। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से विराट कोहली को 2 बार सम्मानित किया गया है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 और 2018 में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, विराट कोहली ने किस देश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था? क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज। तो विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। क्वेश्चन नंबर 20, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ाई करने वाली उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए संगीता एस बहल। संगीता एस बहल माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। उनकी उम्र 53 ईयर की थी तब उन्होंने चढ़ाई की थी। और प्रेमलता अग्रवाल 48 है, उनसे पहले प्रेमलता अग्रवाल थी सबसे उम्रदराज माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली। और प्रेमलता की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट और दुनिया के सातों महाद्वीपों के सातों शिखर पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला है, भारतीय महिला है सर्वप्रथम। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपके 20 क्वेश्चन में 16 या 17 क्वेश्चन के सही उत्तर होते हैं तो आप जो भी एग्जाम की गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सही तरीके से मेहनत कर रहे हो। अगर उससे कम क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करो, आगे बढ़ो। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आपको नम्र विनती रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना।